गुड मॉर्निंग वंस अगेन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. मैं जस्ट क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ. तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से छोटा होगा तो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी. तो एफ एस मैक्स कितना है, म्यू एम टू जी, नो रिलेटिव स्लाइडिंग के लिए. तो देल बी, अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी तो देल मूव एज सिस्टम. इफ दे मूव एज सिस्टम तो फोर्स हो जाएगा अल्फा टी, मास ऑफ सिस्टम इज एम वन प्लस एम टू, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा टी बाय एम वन प्लस एम टू. अब ऐसे केस में अगर M1 का FBD बनाऊंगा तो M1 पे तो आगे लग रहा है फ्रिक्शन, ओके, एंड फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां देख सकते हैं फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने निकाला अल्फा टी बाय M1 प्लस M2, ठीक है. और अगर मैक्सिमम टाइम निकालना है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ले लेंगे, म्यू एम टू जी. तो फॉर एफ एस मैक्स वी कैन फाइंड टाइम for which they'll move with same acceleration. तो FS max की help से हमने time निकाल लिया. ये मेरा T max आ गया, ठीक है. T max की value आ गई mu m2 m1 plus m2 g by m1 alpha. Up to this time they'll have same acceleration. अब अगर हमारा time इससे greater हो जाता है तो उस case में क्या होगा, relative acceleration होगा. Relative acceleration कितना होगा, a1 not equal to a2. ऐसे केस में फ्रिक्शन विल बी व्हाट, काइनेटिक. तो अगर एफ बी डी बनाऊंगा एम टू का तो आगे लग रहा है अल्फा टी, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन. तो ए टू की वैल्यू लिखोगे तो है ना अल्फा टी माइनस फ्रिक्शन बाय एम टू, ठीक है. तो उसको रीअरेंज करके लिख रखा है मैंने यहाँ पे अल्फा टी म्यू एम टू जी बाय एम टू. और ए वन की वैल्यू लिखूंगा तो उस पर तो सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है आगे. अगर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन अपॉन एक्सेलरेशन ये, तो म्यू एम टू जी बाय एम वन. तो जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो इनिशियली ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है. इनिशियल एक्सेलरेशन लिख देता हूं मैं ए वन इनिशियल इज इक्वल टू, इनिशियल एक्सेलरेशन हमने निकाला था यहाँ पे अल्फा टी बाय एम वन प्लस एम टू, अल्फा बाय एम वन प्लस एम टू इंटू टी, ओके. ये इंक्रीज हो रहा है, ए वन मैक्स तक गया जिसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो गया. यहां पे ये है नो रिलेटिव स्लाइडिंग, ओके. तो ये ग्राफ समझ में आ गया होगा. सेम वे में इनिशियली यहां पे भी ए वन ए टू इक्वल था तो A2 इनिशियल कितना आ जाएगा, अल्फा बाय M1 प्लस M2 इनटू T. किसके लिए, नो रिलेटिव स्लाइडिंग के लिए. तो इनिशियल एक्सेलरेशन ये दिख रहा है और रिलेटिव स्लाइडिंग के टाइम पे एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है. तो दोनों में डिफरेंस है तो दोनों की स्लोप अलग अलग है. एक में स्लोप आ रही है अल्फा बाय एम वन प्लस एम टू अगर इधर देखेंगे तो, और इधर स्लोप आएगी अल्फा बाय एम टू. तो ऑब्वियसली इसकी स्लोप बड़ी होगी. यहाँ पे जो दिख रहा है अल्फा बाय एम टू, इसलिए वो ग्राफ ऊपर की तरह शिफ्ट हो गया. यहां तक किसी को कोई डाउट है, ओके. ये क्लियर है सबको. अब मैंने ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है. अब ये जब क्वेश्चन दिया था तो इसको कौन करेगा डिस्कस, हेमंत माइक ऑन करो. हिमांग माइक ऑन करो. हाँ सर, हाँ सर. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. ठीक है, ये सिचुएशन दे रखी है हमें. अब आप मुझे बताओ कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस होगा.
सर पहले वो F1 पे जो फोर्स लग रहा है, हम्म, पहले नेट फोर्स जो लग रहा है उससे हम एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन निकाल लेंगे दोनों अच्छा ब्लॉक्स को एज ए सिस्टम कंसिडर करके। सबसे पहले काम क्या करते हैं हम, है ना, एफ वो निकाल लेते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। स्टेप वन, फाइंड एफ एस मैक्स, क्योंकि आगे कंपैरिजन करना है ना, ठीक है। हाँ तो अगर अपन एफ एस मैक्स निकालते हैं तो ये देख लेते हैं कि एफ बी डी ऑफ ए बनाएंगे इसमें, एफ बी डी ऑफ ए, तो ए के एफ बी डी में ऊपर 10 kg रखा है ना, तो 10 kg ऊपर एन ए, नीचे 10 g, आगे ये 120 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पे ये एन ए फिक्शन की ही बन वैल्यू हो रहा है जाएगी सर। 10 g, है ना। हाँ सर, हाँ यहां से एफ एस मैक्स हो जाएगा म्यू एन ए, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.3 इंटू 10 g, हाँ दैट सर, कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन। सबसे पहला काम तो हमने ये किया, क्योंकि अब मैं चीजों को आगे कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज माई स्टेप वन। अब आप बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो। हिमांग, आपने माइक ऑफ कर दिया है, बच्चे रेज हैंड करो प्लीज, रेज योर हैंड हिमांग। हाँ सर। अब क्या करेंगे आगे। एज ए सिस्टम पे नेट फोर्स देख के उसका एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे एज ए सिस्टम बट ये कैसे कंसिडर पता करके। पड़ेगा कि सिस्टम का देखना है या क्या करना है, कैसे करेंगे। ताकि बाद में एक्सीलरेशन को एफ एस से कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि वो लोग साथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं। बट यहाँ पे तो दो जगह फोर्सेस लग रहे हैं, और दूसरा वाला फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं 0 से, राइट। तो हाँ पहले सर, तो चेक कर लेते हैं ना कि साथ में मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब एफ की वैल्यू 0 है तो, राइट। फॉर एफ इक्वल टू 0, ठीक है, लेट्स फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर एफ की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन फिगर आउट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, जो आप कह रहे हो, ठीक है। तो अभी हमने एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एफ फॉर एफ इक्वल टू 0, हमारा ऊपर कितना है 10 kg प्लस 20 kg, आगे क्या लग रहा है 120 न्यूटन। तो दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 120 by 30, दैट इज 4 m/s², राइट। सो सर, एफ बी डी ऑफ 20 kg अगर मैं ड्रॉ करता हूं, फॉर एफ इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 4 m/s², तो यहां पे नीचे लगेगा 20 g, ऊपर लगेगा एन बी, नीचे लगेगा यस एन सर, ए, एक्सेलरेशन आएगा 4 m/s², द 4 मीटर और पर यहां सेकंड। पे आएगा हाँ सर, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, जो कि मेरा इम्पोर्टेंट है ना। तो अब मैं हाँ यहां सर, से क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, एफ नेट एम इंटू ए
फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 × 4, दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन, व्हिच इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स. बट 80 न्यूटन तो नहीं हो सकता. हां सर, व्हिच इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स. दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, इज इनकरेक्ट. या आवर अजम्पशन of they moving together as system is incorrect when f is equals to 0. Okay. तो सबसे पहली चीज हमें ये समझ में आई कि हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो गलत है. ठीक है, तो अब क्या होगा? हाँ सर, अब क्या होगा हेमा? They'll move separately. They'll move separately. Yes, sir. ठीक है, तो अगर they'll move separately तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? स्टेप थ्री, इनिशियल एक्सेलरेशन फॉर एफ इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फॉर एफ इक्वल टू जीरो. ठीक है, जिसका भी क्लियर हो जाए. तो हिमांग, आप ने माइक ऑफ कर लिया आई गेस. हिमांग, हाँ रेज़ हैंड करो. तो मैं आपसे ये डिस्कस करता था, अभी इनिशियली निकालना तो पड़ेगा ना एक बार क्या हो रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करके चेक करेंगे. ठीक है, माइक मत ऑफ करना. हाँ आयुष, क्या डाउट है बच्चे? हाँ सर, प्रीवियस पे सर डाउट था. सर, इसमें पे स्टेप टू क्या फॉर एफ इक्वल टू जीरो, खाली वो चेक करने के लिए किया है ना कि वो आज सिस्टम मूव करेगा कि नहीं. सर लेकिन उनको वैसे पता चल जाएगा क्योंकि उस पर फोर्स 120 का लग रहा है और वो 30 न्यूटन का फ्रिक्शन है, तो एफ के ही लगेगा ना सर. ठीक है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं रहेगा ना सर. ठीक है, सही है. ओके सर, है ना. तो हेमांग, यहाँ से समझ में आ गया है ना? हाँ सर. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना, इनिशियल एक्सेलरेशन फॉर एफ इक्वल टू जीरो. तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 10 kg आगे लग रहा है, 120 न्यूटन यहां लगाया मैंने, एफ मैक्स 30 न्यूटन. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इनिशियली 120 माइनस 30 बाय 10 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एंड B का एक्सेलरेशन वो FPD बनाएंगे 20 kg आगे लग रहा है F 30 न्यूटन F max. तो A B इनिशियल आ जाएगा मेरा 30/20 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना. हाँ सर. So this implies at f equal to zero, AA initial is equals to 9 meter per second square and AB initial is equals to 1.5 meter per second square. ठीक है, मैं लिख सकता हूँ relative sliding exist.
ठीक है। अब क्या होगा, अब है ना हम चाहेंगे कि फोर्स को बढ़ाएं, इतना बढ़ता जाए कि एक्सेलरेशन सेम हो, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ भाई यश दुबे बोलो। पेज पे डाउट है। हाँ बोलो सर, ये जो आपने एफ नेट निकाला ना वो 80 न्यूटन, उसके बाद आपने जो लिखा वो नहीं समझा मुझे, क्योंकि 80 न्यूटन एफएस मैक्स से बड़ा हो गया ना। एफएस मैक्स तो हमारा कितना है, 30 न्यूटन। हाँ तो उससे बड़ा हो गया तो फ्रिक्शन तो उतना प्रोवाइड ही नहीं कर सकता ना। हाँ सर, तो फ्रिक्शन उतना हो ही नहीं सकता, तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया साथ में मूव करने वाला। अच्छा सर, समझ में आ रही बात? हाँ हाँ सर समझ। लो योर हैंड। तो अब स्टेप फोर, हम ये देखते हैं कि यार किस फोर्स पे साथ में मूव करेंगे। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच 150 न्यूटन के साथ में मूव करेंगे, दिल मूव टुगेदर with common acceleration. ठीक है, वो फिगर आउट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो रेज हैंड करना, किसी को भी कुछ भी मैसेज करना है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा नहीं तो आपके मैसेज। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक एफबीडी बनाया, एक एफबीडी बनाया 10 kg, इधर फोर्स लगाया 120, ठीक है, एंड पीछे फ्रिक्शन लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन, राइट, साथ में मूव कर दें तो, और एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल लिया 120 माइनस 30 बाय 10, दैट अगेन कम्स आउट टू बी 9 m/s². सर मुझे एक डाउट है। बोलो सर, नीचे जो फोर्स लगेगा उसके कारण ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन और नहीं लगेगा? फ्रिक्शन और कैसे लग सकता है, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 30 लग सकता है ना, जब तक तब तक तो रिलेटिव स्लाइडिंग होगी इनिशियली, तो राइट, रिलेटिव स्लाइडिंग होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक होगा, जिस पॉइंट पे जस्ट रिलेटिव स्लाइडिंग रुकने वाली होगी उस पॉइंट तक क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, राइट? तो इसीलिए मैंने फ्रिक्शन क्या लिया है, 30 लिया है, रिलेटिव स्लाइडिंग रुकने वाली है, करेक्ट। भास्कर बोलो। सर आपने इंडिविजुअल एफबीडी क्यों बनाया, अगर सिस्टम का, मतलब सिस्टम का क्यों नहीं बनाया? बना रहे ना, सिस्टम का बना रहे है ना। बी यहां पे आगे लग रहा है फ्रिक्शन, आगे लग रहा है फोर्स एफ, ठीक है, अब ये फोर्स F लग रहा है और ये B की जगह मैं लिखता हूँ, ये 20 kg है, तो एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू व्हाट, F प्लस 30 बाय 20 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A फॉर कॉमन एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर ये होगा तो यहाँ पे F प्लस 30 कितना आ जाएगा बाय 20, कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब कितना, 9, राइट, तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू 150 न्यूटन, करेक्ट? ओके, तो एट 150 न्यूटन, टिल 150 न्यूटन, 0 टू 150 में क्या होगा, रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, और 150 न्यूटन पे जाके क्या होगा, हमारी रिलेटिव स्लाइडिंग रुकेगी। समझ में आई क्या बात? हाँ सर, ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, hence for f less than 150 greater than equal to 0 there will be the disturbance aapke end se aa raha hai kya tumhara nahi abhi theek hai hence there will be relative sliding between blocks and at f equal to 0 sorry f equal to 150 newton blocks will have common acceleration. Blocks will have common acceleration equal to 9 meter per second square. Okay. अब मुझसे एक बच्चे ने doubt. After 150 newtons भी same रहेगा या फिर change रहेगा? अभी पढ़ेंगे. वो अभी complete नहीं हुआ. Question तो बहुत बाकी है अभी. अभी एक-एक करके आगे move करते हैं. है ना? मुझे एक बच्चे ने doubt पूछा भास्कर ने कि सर जब कॉमन एक्सेलरेशन होता है तो हम तो सिस्टम बना देते हैं उनको, ठीक है सिस्टम बना के आप है ना उनका एक्सेलरेशन निकाल लो सिस्टम का, ठीक है और वहां से आप क्या कहते हैं वो निकालो सिस्टम क्या कहते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू सॉरी फोर्स की वैल्यू निकालो राइट तो वो क्यों नहीं किया, ठीक है वो भी कर लेते. पृथ्वीराज बोलो. तो मैंने भी स्टार्टिंग में वही पूछा था सर. एक मिनट हेमंग है ना वो माइक मत ऑफ करना. हाँ बोलो पृथ्वीराज. सर जब हमने ये फोर्स को ग्रेटर देन जीरो पकड़ा ये जो 20 केजी पर लग रहा है तो सर वो फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए ना क्योंकि उसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी ना. टेंडेंसी जिस पे बड़ा फोर्स है उसकी होगी आगे जाने की या जिस पे छोटा फोर्स है उसके आगे जाने की होगी. मतलब पृथ्वीराज 120 बड़ा है या 10 न्यूटन बड़ा है. 120 तो 120 हाँ. वाला आगे जाएगा या 10 वाला आगे जाएगा. 120 वाला सर. समझ में आई बात. यस सर थैंक यू सर. हेमंग आपने मुझसे अपन वही डिस्कस करें जो भास्कर का डाउट था कि सर सिस्टम क्यों नहीं बनाया राइट. हाँ सर मैं सिस्टम बना देता हूँ, ठीक है दिखाने के लिए सिस्टम बना देता हूँ. सिस्टम में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं. इफ एफबीडी of system is drawn. अगर हम FBD of system बना रहे हैं in step 4, then क्या आएगा 10 plus 20 kg आएगा. हाँ सर. आगे force कितने आएंगे 120 120 and 150 F. नहीं 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 हमें थोड़ी पता है 150 अच्छा. F आएगा ना. ओके मींस है ना. तो A मतलब 50 के पहले ही. हाँ A 10 अगर हम उसकी जगह ये करें 20 is equals to A system. ओके सर कितना आएगा 120 plus F by 30 by correct? 30 है ना. हाँ फिर अब इसको अभी हमें ये निकला नहीं है तो हमें निकालने के लिए FBD of 10 kg. तो FBD of 10 kg में ये 10 kg हो गया आगे लग गया 120 पीछे लग गया फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 30 और यहाँ पे आगे लग गया A10. हाँ सर इसको A10 नहीं लिखते A और AB लिखते हैं, ठीक है AA जिसकी वैल्यू कितनी है 120 प्लस F बाय 120 प्लस F बाय 30 राइट. तो यहाँ पे AA कितना आ जाएगा AA आ जाएगा 120 माइनस 30 बाय 10
is equal to what? 120 plus F by 30. Right? Yes, 19 to 3, 270. It's equals to 120 plus F. तो यहां से F की वैल्यू वापस क्या आ गई? 150. सेम ही आ गया. Means, हम लोग कुछ भी मेथड यूज कुछ भी कर सकते हो, राइट? दोनों में से कोई भी मेथड. हाँ, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ अल्टरनेट ऑफ स्टेप फोर, इसीलिए मैंने दूसरे मार्कर से डिनोट किया. समझ में आई बात? कैसे भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो लेकिन पहले वाले जितने अच्छा, भी स्टेप्स थे वो सब इसमें आ गए. हाँ, मतलब ये स्टेप फोर ये था, यहाँ से स्टार्ट हुआ. तो स्टेप फोर मैंने इंडिविजुअल एफबीडी बना के निकाला, करेक्ट? यस सर. और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिस्टम का एफबीडी बना के निकाला, ठीक है? और इसमें अगर ये आ गया तो यहाँ से हमारा ए सिस्टम कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा हमारा, ए सिस्टम विल बी इक्वल टू 120 प्लस 150 बाय 30, that comes out to be 9 meter per second square. तो एक ही बात है, clear है? Sir, एक मिनट रुक जाओ, मौका दूंगा, मैंने आपका माइक ऑन किया. हेमंत, क्लियर है? हाँ, बोलो भाई. अथर्व सर, इसमें सर आपने F की वैल्यू सर क्यों नहीं डाली सर? 150 सर, जीरो भी डाल सकते थे और सर 150 भी डाल सकते. कुछ भी बोल दो, जीरो से के तो आगे निकल के आ गए ना, कि जीरो पे तो पता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है. मैं तो चाह रहा हूँ दे आर मूविंग टुगेदर, तो उस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा वो निकालना है. यस सर. तो अगर मूविंग टुगेदर है तो है ना, सिस्टम की तरह मूव करेगा तो आगे क्या फोर्स लगेगा? 120 प्लस एफ लगेगा. हाँ, यस सर. तो सिस्टम निकाल लिया, सिस्टम से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से 10 केजी का एक्सेलरेशन इंडिविजुअली निकाला, दोनों के एक्सेलरेशन को कंपेयर किया, तो वहां से पता पड़ा 150 न्यूटन पे वो साथ में मूव कर सकता है. कितने एक्सेलरेशन से? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. यस सर. ये अल्टरनेट है स्टेप फोर का, कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. हां, लोअर योर हैंड. अक्षांश बोलो. यस सर, आपने अभी जैसे पृथ्वीराज को बोला था कि जिसकी आगे जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके पीछे तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो यहां पे तो 150 न्यूटन ज्यादा है तो 20 पे पीछे लगना चाहिए. 20 पे, 20 केजी वाले पे पीछे लगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 150 न्यूटन ज्यादा है 120 से. 150 पे 120 ज्यादा है? नहीं, तो उसने जीरो पे बात करी थी. यस, राइट. यस. अब मेरे को ये दिख ही रहा है कि यार उनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग तो हुई ही है. कब तक हो रही है? अंटिल एक्सेलरेशन इज सेम. हां, और एक्सेलरेशन सेम कब आ रहा है? हमने अभी कैलकुलेट किया था 150. 150 पे तो हमें ये दिख रहा है कि यार 150 तक तो है ना, मतलब ऊपर वाला आगे ही खिसक रहा है. यस सर. समझ में आ रही बात? तो वो तो मैंने इनिशियली इसको बताने के लिए समझाया था कि इनिशियली अगर आपको कंपेयर करना है 120 और 10 न्यूटन में तो 120 वाला ऑब्वियसली आगे निकल जाएगा, राइट? यस सर. बट उसके बाद फ्रिक्शन अपने आप को रीएडजस्ट ऐसे कर रहा है. समझ में आ रही है क्या बात? स्लो स्लो करके एडजस्ट. हाँ, स्लो स्लो करके एडजस्ट कर रहा है. और अभी तक हमारा फ्रिक्शन क्या था? एफ काइनेटिक था 150 तक. तो इनिशियली रिलेटिव स्लाइडिंग हो चुकी थी, तो रिलेटिव स्लाइडिंग हो चुकी है और आगे वाला निकल चुका है, इसलिए फ्रिक्शन ने अभी अपना डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं किया. फ्रिक्शन डायरेक्शन वगैरह कब चेंज कर सकता है? जब स्टैटिक होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज करता है क्या? नो, नहीं चेंज करता है. काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था. आई बात समझ में? तो सर, अभी 150 के बाद भी फ्रिक्शन सेम ही रहेगा? अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. ओके सर. ओके सर. अभी आधा क्वेश्चन बाकी है, करेंगे अपन डिस्कस. ओके, मैं वो भी बता रहा हूं आपको, ठीक है? भास्कर बोलो. थैंक यू सर. आपने पिछले पेज पे एक हाईलाइट करके स्टेटमेंट लिखा था सर कि फॉर 0 टू 150 देयर विल बी रिलेटिव. सर, 150 से ज्यादा होगा तो भी तो रिलेटिव स्लाइडिंग होगा ना? रुको तो सही यार, ये यहाँ तक समझ में आया क्या? 150 से ज्यादा होगा तो होगा क्या? पढ़ाने तो दो वो मुझे. अच्छा, ओके, ओके. आपको पता ही नहीं अभी क्या हो रहा है. मैं यही चीज इतनी देर समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? लोअर योर हैंड. तो हिमांग, ये 150 तक की कहानी स्टार्ट हो गई, ठीक है? हाँ सर. अब
स्टेप फाइव पे आ जाते हैं। एट एफ इक्वल टू 150 न्यूटन देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। यस सर। अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है इंप्लाइज फ्रिक्शन कौन सा होगा? फ्रिक्शन इज स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे गंदा फ्रिक्शन होता है। क्यों? वो अपनी वैल्यू भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। अब क्या होगा अगर मैं 150 से फोर्स बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? 150 पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया था। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर सकता है? अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता है। डायरेक्शन चेंज करेगा सर। नहीं, वो वैल्यू भी चेंज कर सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू भी चेंज कर सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है। जीरो। तो इसके बारे में लिख रहा हूं, इट कैन चेंज इट्स वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो देखते हैं अभी क्या है। एज ऑफ नाउ 10 kg, यहां पे 120 newton, यहां पे फ्रिक्शन, ठीक है, 20 kg, यहां पे F greater than 150 और यहां पे फ्रिक्शन, ठीक है। yes, और ये फ्रिक्शन कौन सा है? एफ एस स्टैटिक। एफ स्टैटिक, ठीक है। वन सेकंड रुकना, एक डाउट है। हाँ निशिम बोलो। तुम्हें समझ में नहीं आता सर, स्टैटिक फ्रिक्शन सर तो डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है सर? कर सकता है डायरेक्शन चेंज। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत खराब है। अच्छा सर, तो पता चल जाएगा ना इक्वेशन में मुझे? ये पता पड़ रहा होता तो सॉल्व नहीं हो जाता आपसे कुछ से। ये तो टफ क्वेश्चन है, आप समझो इस चीज में हो क्या रहा है, फिर उसके बाद एंड में डाउट्स पूछना कि क्या क्या चीजें हैं। ओके सर। ओके, सो फंडा क्या है यहाँ पर कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हमारे क्या होंगी चीजें, चेंज होंगी, कैसे चेंज होंगी, क्या चेंज होंगी वो देख लेते, ठीक है। तो एफएस लग रहा है हेमांग? हाँ सर। ठीक है, अब 150 तो एफएस क्या कर सकता है? एफएस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन द पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन? जीरो हो सकती है। हाँ सर। इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन कैन रिड्यूस इट्स वैल्यू टू जीरो, राइट? इफ एफ एस इज इक्वल टू जीरो, है ना, यहाँ पे ए ए आएगा इक्वल टू वॉट, ए बी आएगा 9 meter। नहीं नहीं, 9 क्यों होगा ये नहीं पता, 9 क्यों होगा? A equal to AB होगा पिछला कंडीशन से। वो तो प्रीवियस कंडीशन थी ना, 150 पे था वो तो, राइट? 150 तो क्रॉस कर चुका हूं ना मैं। हां सर। सर पे एक्चुअली रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होएगा अगर A A is equal to क्या कह रहे हो? तो एक्सीलरेशन A equals to AB तो हां B है, तो क्या कह रहे हो? तो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होएगा ये वाले कंडीशन में भी।
ऑब्वियसली रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होता ना, कैसे पता पड़ता है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो रिलेटिव स्लाइडिंग तो हो नहीं रहा, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा तो ए इक्वल टू ए बी है। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ नीला बोलो। यस नीला मुझे 20 केजी का फ्रिक्शन वाला सिचुएशन थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने बोला 150 से पहले काइनेटिक फ्रिक्शन था, उसके बाद अभी हम लोग स्टैटिक की बात कर रहे कि स्टैटिक जीरो भी हो सकता है। सर तो आप एक बार उसका वो फ्रिक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं 150 पे और 150 से 150 पे नो रिलेटिव स्लाइडिंग हुआ? हाँ सर। तो नो रिलेटिव स्लाइडिंग मतलब फ्रिक्शन क्या हो गया? स्टैटिक हो गया। हाँ सर। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। हाँ सर। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। यस सर। तो ए इक्वल टू ए बी मान लेते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसी के लिए फिगर बनाया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ए आगे जा रहा था तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। यस सर। राइट। तो डायरेक्शन तो वही रखा अभी और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, बाद में डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है। तो इनिशियली फ्रिक्शन 30 था, 30 से क्या हो रहा है रिड्यूस होके कितना हो गया, फ्रिक्शन जीरो लिया है मैंने। अच्छा सर। सर 20 केजी पे 150 न्यूटन से पहले कितना फ्रिक्शन था? 30, क्योंकि वो तो रिलेटिव स्लाइडिंग हो रहा था ना, रिलेटिव स्लाइडिंग मतलब एफ काइनेटिक। अच्छा ओके सर। है ना? हाँ समझ गया। रिलेटिव स्लाइडिंग मतलब एफ काइनेटिक। यस सर। लोअर योर हैंड। आयुष बोलो। सर वो फ्रिक्शन जीरो है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम कैसे? अरे फ्रिक्शन जीरो है मतलब बच्चे फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन होता है क्या? नहीं होता। यस और नो? यस सर। लेकिन अगर मैं जीरो मानेंगे। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग इसे जीरो मानेंगे तो अगर मैथमेटिकली भी करेंगे तो सर दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। चेक करते ना कहाँ डिफरेंट आएगा, रुको तो सही। लेट मी डू दिस स्टेप लॉजिक। अगर एफ एस लिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन लिया है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। यस माइक ऑफ कर दिया। चलो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आपको समझ में आ गया। यश सर फॉर फोर्स ग्रेटर देन 150 रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगा, ये आपको कैसे पता चला? यार अभी एफ एस लगना स्टार्ट हुआ है ना। हाँ। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपने 30 ले ली थी 150 पे, है ना? यस सर। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपनी वैल्यू रिड्यूस कर सकता है ना, कहां तक? जीरो तक तो कर ही सकता है, तो मिनिमम जीरो पर तो देखते हैं। हाँ सर। राइट। तो वहां तक तो स्टैटिक कराता हूँ सर। लेकिन वो तो 150 के लिए है ना, 150 के ऊपर के लिए भी। 150 के लिए 30 है। हाँ सर। अब 150 से बढ़ाऊंगा तो वैल्यू 30 से कम हो जाएगी, क्योंकि इस एफबीडी में एफएस आगे लग रहा है एफएस बी पर और एफएस आगे पीछे लग रहा है ए पर। अगर 150 से बढ़ाऊंगा तो एफएस अपने आप को रीएडजस्ट कर सकता है इस तरीके से कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। हाँ सर। राइट। तो एफएस रीएडजस्ट कर रहा है। ठीक है, कब तक? लेट्स से 0 न्यूटन पे क्या हो रहा है। ओके सर। ओके। लोअर योर हैंड। भास्कर बोलो। सर पर सर आपने जो अभी उसे समझाया मतलब वो एफएस क्यों लगेगा सर, मुझे नहीं समझा, क्योंकि जब भी 150 से आगे जाएगा तभी वापस एफके लगना चाहिए ना। क्यों लगना चाहिए एफके? आपको लग रहा है ये चीज लगना क्यों चाहिए? एफके कब लगता है? जब रिलेटिव स्लाइडिंग होती है। हाँ। 150 पे कह रहे हैं नो रिलेटिव स्लाइडिंग। हाँ सर। तो 150 पे अगर नो रिलेटिव स्लाइडिंग तो उस इंस्टेंस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लगेगा। Yes, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगने लगा तो स्टैटिक तो अब अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता है। याद है एक टेबल पढ़ाई थी? हाँ, जब स्टैटिक लग रहा होता है तो वो अपनी वैल्यूज चेंज करने लग जाता है। तो अब हाँ, जैसे ही वो स्टैटिक हो गया तो अब नाउ इट हैज पावर टू चेंज इट्स वैल्यूज। तो लेट इट चेंज इट्स वैल्यूज, चेक तो करो कि कब तक कर सकता है। नहीं सर बस इतना ही नहीं समझा कि वो स्विच क्यों नहीं करेगा स्टैटिक से काइनेटिक में वापस। अरे तो काइनेटिक में वापस करने के लिए फोर्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करनी पड़ेगी मैं बताऊंगा अभी, मैं आपके कोई डाउट नहीं ले रहा हूँ, 5-7 मिनट मुझे दो। ठीक है। लोअर योर हैंड।
मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट के बाद आपको दोबारा क्वेश्चन समझा दूंगा भले ही भास्कर, अब 10 मिनट तक मैं कोई डाउट नहीं ले रहा हूँ। ऋषिकेश कैन यू स्विच ऑन योर माइक? यस सर। हाँ बोलो। सर मतलब कांस्टेंट लेना है इसके बाद से फोर्स? कौन सा फोर्स? जो अप्लाई कर रहे हैं। कैपिटल एफ या 120? 120 कांस्टेंट है एफ। कैपिटल एफ। कैपिटल एफ नहीं लेना, कर रहे हैं अपन सॉल्व उसको। ओके सर। ठीक है, लोअर योर हैंड्स एवरीवन, मैं अभी किसी के डाउट्स नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन एंड खत्म होने के बाद लूंगा, मैं अभी सिर्फ हेमंत के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग सुनते जाओ। हेमंत मैंने क्या कहा? Yes, static है, static means no relative sliding, ठीक है? Direction value change होगा। तो ऐसे में क्या होगा? No relative sliding. Sliding. Because of FS implying acceleration of A equal to acceleration of B. तो जब फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, ठीक है, तो एज एफ एस इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा 120/10, राइट? एफ एस जीरो है तो दैट कम्स आउट टू बी 12 m/s², राइट? नाउ acceleration of b will be equal to what? F plus fs, which is nothing but equal to 0 by 20. That 20. is equal to what? Acceleration of a, which is equal to what? 12 m/s². So this implies f ki value kitni aa jayegi? 240 newton. 240. To yahan pe mujhe kya samjha? Star point at F is equals to 240 newton, friction with friction between blocks reduces to 0. Static friction between the blocks reduces to 0. नहीं प्रियांश यार, हिमांग प्लीज माइक मत ऑफ करो ना बच्चे। अभी मैं कोई डाउट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? तो हो क्या रहा है? That is, है ना? For f less than equal to 120, sorry, less than equal to 240 and greater than equal to 150. Greater than 150. है ना? Friction. हाँ सर. Is static. Thick. Friction. Okay. Acting leftwards. हाँ सर. On A and Rightwards on B also, yes sir, at F equal to 150 Newton, F is equals to FS max equal to 30 newton. At F equals to 240 newton, F is equals to FS equal to 0 Newton. समझ में आ रही है बात? हाँ सर। है ना? हाँ सर। As friction is static, this implies objects will move with common acceleration, right? So this implies what I can write, A1 is equals to A2
फॉर एफ लेस देन इक्वल टू 240 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 150. समझ में आ रही बात? एट एफ इक्वल टू 150 न्यूटन ए वन इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू वॉट 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एफ इक्वल टू 240 न्यूटन ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट? अभी तक फ्रिक्शन ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट नहीं किया है. अभी मतलब जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन ने ये किया है कि पहले मैं लगा, फिर मैंने क्या किया, अपनी वैल्यूज चेंज करी, रिड्यूस करी जीरो पे. अब अगर मैं 240 से बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगना और बाकी है. अभी स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब फोर्स इतना हो चुका है कि यार ये 120 अभी तक दोनों के एक्सेलरेशन बराबर आ चुके हैं. अब जैसे ही फोर्स को आप बढ़ाओगे तो अब नीचे वाला आगे निकलना स्टार्ट करेगा, कोशिश करेगा. नीचे वाला आगे निकलने की कोशिश करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. जो अभी तक क्या था, आगे वाला जो ऊपर वाला है वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था. अब क्या, जैसे ही फोर्स 240 से बढ़ाऊंगा तो नीचे वाला आगे निकलने की कोशिश करेगा, नीचे वाला आगे निकलने की कोशिश करेगा, तो जो फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. समझ में आ रही बात हेमंत? हाँ सर. सो नाउ स्टेप 6. स्टेप 6. अभी मैं कोई डाउट्स एंटरटेन नहीं कर रहा हूं. आदित्य परब, लोअर योर हैंड. नाउ व्हेन फोर्स F is increased greater than 240 Newton. Object B try to move ahead of B, sorry, of A. Does friction between them, kaun sa hai, static, will change its direction. Between them वाला जो friction है वो क्या करेगा? Direction change करेगा. That is, अब मैं अगर FPD बनाऊंगा A का, पहले B का बना लेते हैं. B का FPD बनाएंगे 20 kg. आगे force लगाया F greater than 240 न्यूटन. 240 तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन एफ इक्वल टू एफ एस. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा 240 माइनस एफ एस बाय 20, है ना. और यही चीज मैं एक्सेल ए का एफ बी डी बनाऊंगा. A पे लग रहा था 10 kg. आगे फोर्स कितना लग रहा है? 120 न्यूटन. और नीचे क्या लग रहा है? FS लग रहा है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ A कितना आ जाएगा? 120 प्लस FS बाय 10. ठीक है, नाउ they can move together. यहां मैंने F गलती से ये लिखा, ये F आएगा. ठीक है, F greater than 240 है ना. हाँ, now they can move together till
Fs again increases to 30 newton from zero, right? तो yes, तो आप क्या लिख सकते हैं? At Fs equals to 30 newton, AA is equals to AB. A की वैल्यू कितनी है? 120 प्लस 30, ये Fs है हमारा, बाय 10. F माइनस 30 बाय 20. ओके, हाँ सॉरी सर, 20. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फ्रिक्शन F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 प्लस 30 इज 300, 300 इंटू सॉरी 150 प्लस 30 इज 50, 150, 150 प्लस 2 इज इंटू 2 इज 300 प्लस 30, तो 330 आ जाएगा, 330 न्यूटन. सो दैट इज एट F इक्वल्स टू 330 न्यूटन फ्रिक्शन between blocks, friction between blocks become Fs max equal to 30 newton with direction rightward. With direction rightward on A and leftward on B. तो 330 न्यूटन पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन कितना बन रहा है? क्या कहते हैं हमारा 30 न्यूटन बन रहा है. A पे डायरेक्शन किधर है? राइटवर्ड्स है. और B पे किधर है? Leftwards है. Leftwards. Okay. So ये आ गया हमारा. इसको मैं फिर summarize कर देता हूँ. That is for F less than equal to 30 newton, 330 newton and greater than equal to 240 newton. यहाँ पे F होगा आपका Fs equal to 0, A1 equal to A2 equal to 12 meter per second square. यहाँ पे होगा F होगा आपका Fs max equal to 30 newton और A1 equal to A2 equals to 15 meter per second square. ठीक है. So for this force, again, blocks will move with common acceleration. Right? है ना? लास्ट स्टेप 7 देख लेते हैं और उसको फाइनली फिर समराइज करेंगे. स्टेप 7 में क्या है? F is greater than 330. F greater than 330 newton, friction again becomes kinetic. Kinetic. Friction अब वापस क्या बन जाएगा? Kinetic. Okay, that is, there'll be relative sliding. अब relative sliding होगा, इसको मैं AB और A और AB कर देता हूँ. एक बच्चे ने मैसेज किया है, सही है, क्योंकि वो मैंने AAB यूज किया ना, हर जगह वही यूज किया ना. हाँ ठीक है, इसको मैं AA AB, AA, AB. There'll be relative sliding. ठीक है. तो ऐसे केस में 10 kg का FBD अगर मैं बनाऊंगा
120 और यहाँ कितना आएगा F kinetic है ना which is 30 newton तो यहाँ पे acceleration of A हो जाएगा 120 plus 30 by 10 तो A की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया फिक्स और B का FBD बनाएंगे तो ये बनेगा 20 kg इस पे आगे लग रहा है 330 है ना और पीछे लग रहा है F kinetic which is 30 ये B है हमारा तो acceleration of B हो जाएगा मेरा F minus 330 sorry F minus 30 by 20 where 20 F is greater than 330 this implies AB is greater than 15 meter per second square क्योंकि 330 डालूंगा तब 15 आता है तो 331 भी डाल दिया तो 15 से ज्यादा हो जाएगा राइट है ना तो यहां से समझ में क्या आया ये 330 न्यूटन पे भी तो अब मैं समराइज कर दूं यस सर इसको अपन समराइज कर देते हैं पॉइंट नंबर वन एट एफ इक्वल टू जीरो देयर बी रिलेटिव स्लाइडिंग राइट हाँ सर ठीक है तो फॉर एफ लेस देन 150 एफ इज इक्वल टू एफ काइनेटिक इंप्लाइंग ए वन नॉट इक्वल टू ए टू हेंस देयर विल बी रिलेटिव स्लाइडिंग Third, for F less than equal to 240, greater than equal to 150. यहाँ पे friction कितना हो रहा है? F is equals to Fs max equal to 30 newton. A1 is equals to A2 equal to 9 meter per second square. यहाँ हो रहा है F equals to Fs equal to 0. A1 equal to zero. A2 equal to 12 meter per second square. है ना? Direction direction of friction on A is leftwards and rightwards on B. Correct? Point number four for F less than equal to 330 greater than equal to 240. 240 दो बार यूज कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता F is equals to Fs equal to 0 A1 is equals to A2 equals to 12 F is equals to Fs equal to Fs max 30 A1 is equals to
ए टू इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए राइटवर्ड्स ऑन बी लेफ्टवर्ड्स. तो मैंने पहले ही कहा था पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो हमारा काम चलेगा. आई क्या बात समझ में बच्चों? हाँ सर. अब आपके डाउट्स पूछो. आपको क्लियर है अच्छे से? सर बोलो सर. ग्रेटर देन 330 के लिए मैच कर दो. वो भी फॉर एफ ग्रेटर देन 330 न्यूटन है ना. अगेन देयर विल बी अगेन देयर विल बी relative sliding implying F is equals to F kinetic equal to 30 Newton. Acceleration of A will be equal to 15 meter per second square. Fix acceleration of B is equals to F minus 30 by 20. फ्रिक्शन इसमें लगेगा राइट में और उस पर फ्रिक्शन लग रहा है वही लेफ्ट में. ओके आपको क्लियर है हिमांग? माइक मत ऑफ क्या कर रहा है. हाँ हिमांग आपको क्लियर है? आई एम ऑडिबल टू यू. हिमांग माइक ऑन करो. I'm assuming आपको क्लियर है. आपका माइक ऑन नहीं हो रहा. निशिम बोलो. सर मुझे ये नहीं समझ रहा सर ये कि फ्रिक्शन सर डायरेक्शन चेंज क्यों करेगा. सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें सर. अच्छा 240 के बाद क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सर 240 के बाद 240 न्यूटन. ये 240 समझ में आ गई चीज? हाँ सर. तो 240 के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा जीरो से. शांति रखो है ना. 240 के बाद स्टैटिक यहाँ पे एक मिनट. हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो ही 240 पर. यस सर. कहाँ से जीरो ही? 30 से जीरो ही. हाँ सर है ना. अब 30 से अगर जीरो ही. हिमांग माइक रेज हैंड कर दो अगर कोई डाउट है तो. इफ यू गॉट डिस्कनेक्टेड दैट्स ओके. तो अब जैसी मैं 240 से बढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए कि सर 20 केजी आगे निकलने की कोशिश करेगा. सर क्यों सर वही समझ लो. सर क्यों आगे निकल क्योंकि एक्सेलरेशन तो इक्वल होगा ना दोनों का सर. अबे 240 के बाद क्या होगा ये तो बताओ. सर 240 के बाद सर स्टैटिक फ्रिक्शन सब एक सेकंड 240 के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ना चालू करेगा ना. कैसे बढ़ेगा? 30 से 0 आया था. हां सर. राइट. तो वापस yes, बढ़ा sir. के क्या क्या कर लोगे आप? आपको नहीं लगता? चलो सुनना मेरी बात अच्छे से. सुनना यहाँ रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ मैं. फ्रिक्शन इस पे पीछे है F, इस पे फ्रिक्शन आगे है. ठीक है. अब हम 240 पे पहुंच चुके हैं. F की वैल्यू हम 240 ले चुके हैं. उसके आगे की कहानी की बात कर रहे हैं. मैं ले लिया F इक्वल टू 250. हाँ सर. ठीक. तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आया? 250 प्लस F सुनते जाना बाय 20. एक्सेलरेशन ऑफ A कितना आया? 120 माइनस F बाय 10. यस सर. करेक्ट. यस सर. ये वैल्यू लेस देन 12 आएगी. हां सर. 120 में से कुछ माइनस करूंगा तो 120 से कम हो जाएगा डिवाइड बाय. यस सर. ये वैल्यू ग्रेटर देन 20 आएगी 12 आएगी. हां सर. तो अगर ग्रेटर देन समझ गया सर वो आएगी और ये लेस देन वो आएगी. सुनते जाना बात को. भागना सुनो भागो मत. आप फिर आपको समझ में नहीं आएगा. मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में. सुनो मेरी बात पहले अच्छे से. आपको डायरेक्शन सारी चीजें समझ में आएंगी. मैं डांट नहीं रहा हूँ. आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. जैसे ये हो गया दिस इम्प्लाइज
एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये आगे मूव करने की टेंडेंसी है, वो सम इसलिए फ्रिक्शन भी, दिस इंप्लाइज बी गोस अहेड इंप्लाइंग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज इनकरेक्ट. तो अब हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा, तो फ्रिक्शन ये नहीं होकर फ्रिक्शन चेंज होगा टू अ वैल्यू जहां पे यहां पे लगे, इस पे लगे पीछे और इस पे लगे आगे. सभी अभी लगता है क्लियर एकदम सर. हाँ सर समझ गया. सुन लो मेरी बात यार भाई, क्यों भाग रहे हो, मैं बात पढ़ा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, आप सुनो तो सही बात को. अभी अब सडनली ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी फ्रिक्शन ने डायरेक्शन चेंज किया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन ने 240 पर, तो सडनली दोनों के बीच में काइनेटिक नहीं होगा. अब फ्रिक्शन अभी अपने आप को इंक्रीज कर सकता है, अभी तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया है निशिन. अब फ्रिक्शन क्या कर सकता है, अपने मैग्नीट्यूड को भी इंक्रीज कर सकता है. सडनली एकदम से है ना दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी. नहीं हो सकता, पहले एफएस मैक्स तक पहुंचना पड़ेगा, एक पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा. वो पॉइंट कौन सा आएगा, 330 न्यूटन वाला आएगा. समझ में आई बात? हाँ सर. लोअर योर हैंड. हाँ दुबे जी. सर वो जहाँ पे आपने समराइज किया है वो वाले पेज पे जाओ ना. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैंने कल पहले ही कहा था इसको टाइम लेके सॉल्व करेंगे. यस सर, इसमें थर्ड पॉइंट मुझे नहीं समझ रहा. वो मतलब 30 न्यूटन आया एफएस मैक्स, तो उसके बाद मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना सर. आई एम मूविंग आउट ऑफ माय चेयर फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूं. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके सर. हाँ बोलो, क्या कह रहे हो सर? इसमें ये एफ 150 के बाद 151 अगर मतलब 150 से ग्रेटर रहेगा फोर्स, तो फिर एफ एस मैक्स ही लगेगा. ऐसा कैसे एफ का काइनेटिक क्यों नहीं होगा, ये मुझे डाउट आ रहा है थर्ड में भी और फोर्थ पॉइंट में भी. सुनते जाना मैं जो कह रहा हूँ. यस सर. 150 पे क्या हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो गया? हाँ सर. कितना हो गया? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. ठीक है, 150 पे फ्रिक्शन काइनेटिक था, 30 था ना? हाँ. ठीक है, जैसे ही एक्सेलरेशन सेम हुआ मतलब फ्रिक्शन कौन सा लगने लग गया? स्टैटिक. स्टैटिक लगने लग गया. स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है? हाँ सर. है ना, अब देखते जाना इसको. वापस रेड से डिनोट कर रहा हूं. जब इसकी वैल्यू मैंने ले ली 200, ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है एफएस, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है एफएस आगे. ठीक है भाई, प्लीज रिप्लाई करो ना सर. इसमें अभी इसमें 200 न्यूटन हो गया ना सर, तो अभी ये भी तो आगे मूव करने की टेंडेंसी इसकी रहेगी ना सर. सुनो तो सही, फ्रिक्शन 30 था ना? हाँ सर. 150 पे, 150 से जस्ट बढ़ाया, चलो इसको 151 ले लेते हैं, आपको परेशान करेगा तो ये 151 ले लेते हैं. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज तो चेंज कर सकता है ना? हाँ सर. राइट, अब ये जो फ्रिक्शन आया इनके कारण इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा. यस सर. 150 से 151 बढ़ाया तो 20 का एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना. 820 कितना होगा? 151 प्लस एफएस बाय 20. और 810 कितना होगा? 120 माइनस एफएस बाय 10. अब आप कह रहे हो ना कि 20 केजी के आगे जाने की टेंडेंसी है. हाँ सर. अगर 20 केजी के आगे जाने की टेंडेंसी है तो उसको ही समझना चाह रहे हैं ना कि 820 has to be greater than 810, right? Yes, sir.
अगर 20 kg आगे जाएगा तो A20 A10 से बड़ा होगा, A20 की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे पहले मैं, और यहाँ पे A10 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है? Yes, FS हमारा अगर जीरो हो गया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो सकता है, अगर FS हाँ, जीरो हो गया, A20 कितना आ गया, 151/20, that comes out to be what, 7.5? Yes, approximately. और ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है? हाँ, तो आप जो सोच रहे वो गलत है. जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हुआ तो हो क्या रहा है, अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को रीएडजस्ट करेगा. तो अगर ये वैल्यू रिड्यूस होगी इधर FS जिसको मैं कह रहा हूँ, इधर देखना, इस FS को अगर मैं रिड्यूस करूंगा, इसको डिक्रीज करूंगा, तो A का एक्सेलरेशन बढ़ेगा और इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा धीरे धीरे. इसका मतलब 150 प्लस 20 के मतलब 150 प्लस मान लो FS की वैल्यू मैंने 10 ली, तो ये कितना है, 120 माइनस 10 बाय अगेन मास इज 10 तो 11 आ जाएगा. यहाँ कितना आएगा, 150 प्लस 10 बाय 20. समझ में आ रही बात? हाँ सर, क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो अगर इसको कम करूंगा तो ये बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम इसको 30 से कम करूंगा तो ये कम होगा. तो अभी भी क्या होगा, A10 आगे ही निकलने की टेंडेंसी है. आपको ऐसा लग रहा है कि A10 पीछे जाएगा, बट वैसा नहीं हो रहा. समझ में आई बात? यस सर. तो मतलब 30 न्यूटन से FS में FS 0 तक जाएगा, फिर जाएगा और उसके बाद वो फिर अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वो अपनी वैल्यूज भी रीएडजस्ट करेगा. वैल्यूज रीएडजस्ट करेगा 30 से 0, और जब उसकी वैल्यूज रीएडजस्ट हो चुकी है तो फिर वो डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज करके अगेन वो 0 से 30 पे जाएगा, और 30 हो गया उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता. सर 240 पे जब FS 0 हो जाएगा सर, फिर उसके बाद F काइनेटिक क्यों नहीं होता सर, फिर वापस से इंक्रीज क्यों होने लगता है? अभी तो मैंने बताया उसको, डायरेक्शन बताया था, ध्यान नहीं दिया था आपने, आपने निशिम को पढ़ाया था जब, ध्यान दिया था कि भाई 240 के जस्ट बाद क्या हो रहा है, सुनो तो फिर नहीं दिया ना ध्यान. आपने कहा 240 से ज्यादा है, 240 से ज्यादा पे मैंने क्या हुआ, A20 हैज टू बी ग्रेटर देन A10, तो इस पे पीछे फ्रिक्शन लगने लगा FS. हाँ सर. F और इस पे आगे लगने लगा, राइट? यस सर. तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, सुन लो अब वापस आपने मुझसे वही सॉल्व करवा रहे हो, F माइनस FS जिसकी वैल्यू 30 है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो 20 kg आगे जा रहा है बाय 20, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है सर? हाँ बोलो सर. ये मतलब FS क्यों लगेगा वो डाउट है, मतलब FK लगेगा से... बस FK लगेगा, बस 0 के बाद सीधा 30 लगा दिया, राइट? हाँ सर. तो आपके अकॉर्डिंग 20 kg आगे जा रहा है ना? यस सर. 20 kg आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, F काइनेटिक होगा? हाँ सर. F काइनेटिक 30 न्यूटन है? यस सर. इसकी वैल्यू 270 ले लूं? यस सर. कितना आ रहा है, 270 माइनस 30 इज 240, 240 डिवाइड बाय 20 इज 12. यहां पे कितना आ रहा है, 120 प्लस 30 डिवाइड बाय 10, ये कितना आ रहा है, 15. यस सर. तो आपका अजम्पशन गलत है, आप तो बी काइनेटिक मान रहे हो ना? हाँ सर. समझ में आ रही है बात? यस सर. Lower your hand. बहुत tough question है. देखो सब सारे तरह के बच्चे, तो मुझे क्वेश्चन तो कराना ही था क्लास में, तो मैंने कराया है. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं हर साल कराता हूँ फ्रिक्शन समझाने के लिए कि फ्रिक्शन अपने रंग कैसे बदलता है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट अ गुड फ्रिक्शन, इट इज नॉट ईजी, है ना, क्योंकि वो वैल्यूज भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है. तो पहले हमने देखा काइनेटिक था, फिर उसके बाद वैल्यूज कैसे चेंज हुई, और उसके बाद फिर उसके बाद डायरेक्शन भी चेंज हुआ. बोलो प्रियांश. सर मतलब बेसिकली 150 से लेके 330 तक स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे ऐसे चेंज हुआ कि वो जब कॉमन एक्सेलरेशन रख सके दोनों का. परफेक्ट. तो सर मेरे को खाली बेसिकली इतना सा डाउट है कि हम लोग ने ये कैसे फिगर आउट किया कि जब तक एफ स्टैटिक 0 न्यूटन लेफ्टवर्ड्स लगेगा ए पे, तब तक ही
तब तक 10 केजी की टेंडेंसी होगी आगे मूव करने की, उसके बाद 20 केजी की टेंडेंसी होगी मूव करने की, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाला ना हमने, ए और ए बी निकाला, हाँ ए और ए बी कब तक इक्वल हो सकते हैं वो निकाल लिया, हाँ और उसके उसमें फिर ए पे एक्सेलरेशन फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख लिया। तो जब हम स्टेप टू पे गए थे, कहाँ गया हमारा स्टेप टू, स्टेप टू पे गए थे तो हमें ये पता पड़ गया था, स्टेप वन स्टेप टू पे पता पड़ गया था कि कॉमन एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकते, राइट। स्टेप थ्री पे दादर, स्टेप थ्री पे पीछे लगने लग, पीछे लग रहा था ए पे फ्रिक्शन, दिख रहा है ना, तो ए की टेंडेंसी आगे जाने की है, ठीक है। स्टेप फोर में भी मैंने देखा कि ए पे पीछे लग रहा है तो ए की टेंडेंसी आगे जाने की है 150 न्यूटन तक, करेक्ट। अब जैसे 150 से बढ़ाऊंगा तो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ तो अभी भी अगर मैं 151 भी निकालता हूं, जो मैंने अभी यश को समझाया, तो 151 पे भी मुझे क्या दिख रहा है, हमारा ए की टेंडेंसी आगे जाने की, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो मतलब कब तक 240 तक, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे पूछ लेंगे find the range of value, range of f for which they move with common acceleration, तो आंसर होगा 150 से लेके 330 के बीच का। अच्छा, मतलब f static 30 leftward से लेके 0 leftward, फिर 0 वापस 0 right में लगेगा, 30 left से लेके 30 right तक। हाँ, मतलब समझना है ना, अगर इसको अगर short trick समझनी है तो friction पहले देखो a वाले पे b वाले पे कहाँ लग रहा है। ऐसे ही same question को अगर मैं नीचे वाले पे लगा दूँ तो वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा, वो आप ट्राई कर लेना। अभी दे रहा हूँ होमवर्क कि भाई मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले ऊपर इसको अगर एज अ शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करना है या ध्यान रखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए की टेंडेंसी आगे जाने की है, जीरो न्यूटन पे आगे निकल गया तो इनिशियल फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया, करेक्ट। अब एक जगह स्टैटिक बनेगा, एफ काइनेटिक इक्वल टू एफ एस मैक्स बनेगा, उस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन 30 लेफ्टवर्ड्स लग रहा है, ठीक है सर। आप वापस बोल सकते हो एक बार, एक पर्टिकुलर फोर्स कैपिटल एफ के लिए फ्रिक्शन आपका एफएस मैक्स लग रहा है 30 न्यूटन लेफ्टवर्ड्स, ओके ओके। अब ये एफएस मैक्स अपनी वैल्यू चेंज करेगा कहां तक, जीरो तक, हां लेफ्टवर्ड्स तक, और जीरो लेफ्टवर्ड से क्या करेगा 30 राइटवर्ड्स तक तो बढ़ेगा। इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आई क्या बात समझ में। ओके, तो मतलब हम लोग जीरो तक फिगर आउट कर सकते हैं कि किसकी टेंडेंसी मूव करने की आगे होगी और फिर वैसे वैसे प्रोसीड। थैंक यू सर, करेक्ट। ओके, शुभम बोलो। सर मुझे ना ये नहीं समझ रहा है कि आप हर स्टेप में आपको कैसे पता चल रहा है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब स्टेशनरी लगेगा या मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। सर मुझे ये नहीं समझ रहा है कि हर स्टेप में आपने लिखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक लगेगा, वो आपको कैसे पता चल रहा है। अरे स्टैटिक काइनेटिक 150 न्यूटन तक तो काइनेटिक ही है क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन है। हाँ, उसके बाद स्टैटिक लगना स्टार्ट हुआ, स्टैटिक लगना क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन आ गया ना 150 न्यूटन पे, कॉमन एक्सेलरेशन आ गया ना, हमने फोर्स निकाला ना कि कौन से फोर्स पे कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है। कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब क्या, साथ में मूव कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो हमने ये वो फिगर आउट किया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टेप 5 में नो रिलेटिव स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्टैटिक। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू भी चेंज कर सकता है क्योंकि आप नीचे वाले फोर्स को बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम करता जाएगा ताकि है ना दोनों के एक्सेलरेशन सेम रहे। कम करते 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 यहाँ पे ये जो मैंने बताया ना इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये फोर्स को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को कम करेगा, यहाँ कम करेगा तो ये भी वैल्यू कम होगी, ये कम होगी तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बी है एफ प्लस एफ एस। बाय 20 तो ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन बी आ रहा है, और एक्सेलरेशन ए में क्या है 120 माइनस एफ एस बाय 10, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों इंक्रीज करेंगे। तो जब आप फोर्स बढ़ाओगे तो, क्योंकि एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो इतना स्मार्ट है कि अपने आप को रीएडजस्ट कर सकता है, तो रीएडजस्ट करेगा 30 से वैल्यू रीएडजस्ट करके 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 जीरो पे लेकर आएगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर फोर्स आएगा। उसके बाद भी क्या होगा, 20 वाला आगे निकलने की कोशिश करेगा तो एफ एस अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फिर कहेगा मैं यहाँ नहीं लग के पीछे लगूंगा, और पीछे लग के फिर वो अपने आप को रीएडजस्ट करेगा कहाँ तक, 30 तक। जब वो हो गया तो स्टैटिक ने कहा मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, पहले आपने रिलेटिव स्लाइडिंग कराया था, ए को आगे कराया था तो मैं पीछे लग रहा था ए पर, अब बी पे आगे लग रहा था, फिर मैंने क्या किया अपनी वैल्यूज चेंज कर ली, अब मैंने उल्टा कर लिया, ए को पे आगे लग चुका हूँ, बी पे पीछे लग चुका हूँ, नाउ आई हैव नो फर्दर टेंडेंसी टू इंक्रीज और चेंज माई डायरेक्शन, सो नाउ थिंग्स विल स्टॉप, लोअर योर हैंड। समझ में आई बात? यस सर। ध्रुव बोलो। हेलो सर। बोलो सर। पहले ये पहले 150 तक उसका वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, फिर और मतलब स्लाइडिंग होगा, और उसके बाद फिर नहीं होगा स्लाइडिंग, उसके बाद 330 के बाद वापस स्लाइडिंग होगा क्या? बिल्कुल होगा, लिखा है ना स्टेप 5 में, देयर विल बी रिलेटिव स्लाइडिंग। उसके 330 के बाद की कोई आगे वाली वैल्यू पे बाद में स्टैटिक होगा वापस से? कैसे होगा स्टैटिक, हो तो चुका है स्टैटिक, दोबारा स्टैटिक कैसे कराओगे? Okay, आप जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मुझे एक चीज लगता है कि आपको जीरो समझ में आए, ये कब चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, आप पढ़ो इसको। हाँ, ये मेरे अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ो, मेरे हिसाब से आपको जीरो समझ में आया, क्योंकि आप जब ये पूछोगे 330 के बाद वापस स्टैटिक हो सकता है क्या, क्यों होगा, पहले तो ये सोचो वो स्टैटिक क्यों हुआ था, ये भी सोचो, तब आपको इन चीजों के आंसर मिलेंगे। यस सर। ओके सर, और आप इसके बाद तुरंत भेज सकते हैं क्या नोट्स? मैंने कल भी भेज देते, रुको तो सही, थोड़ा सा टाइम दो, मेरे भी लेक्चर्स अलाइंड होते हैं, ठीक है, आज कोई लेक्चर नहीं, मैं भेज दूंगा अभी भेज दूंगा। ओके सर। तेजस से बोलो। और सर। हाँ बोलो ध्रुव। सर कोई और डाउट हुआ तो मैं वापस कल पूछ लूँ ना? मैंने मना किया कभी? आप हमेशा डाउट्स पूछो। नहीं सर। ठीक है, बट पढ़ के बैठो, है ना, आप पूछो आराम से, डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस से बोलो। सर फ्रिक्शन बार बार 0 to 30 इसलिए वेरी करता है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 30 से 0 और 0 से 30, तो 0 पे उसने डायरेक्शन चेंज किया है। सर तो एफ काइनेटिक कब हो रहा है? जब नीचे वाला ऑब्जेक्ट आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट, और वो 330 के बाद करेगा। सर स्टेप 5 का नेक्स्ट वाला पेज बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। रीड कर लेना, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ इसमें, मैं सिर्फ कंडीशन रिवर्स कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे वाली, और फिर अपन देखेंगे, ठीक है। महिमा बोलो। सर स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। करेक्ट। हाँ तो सर जब आप जब फोर्स को 151 करते हैं तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। पर सर फिर आपने जब एक्सेलरेशन निकाला तो फिर उनका अलग आया ना? कहाँ है अलग? सर 12 और 15 आया था ना जब आप निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, आपको लग रहा है, निकाल के बताऊं? हाँ सर। ठीक है, एफ की वैल्यू ले ली 151। आगे एफ एस लग रहा है। पीछे क्या लग रहा है? एफ एस। हाँ सर। एक्सेलरेशन ए कितना है? 120 माइनस fs by 10। यस सर। एक्सेलरेशन बी कितना आया? 151 माइनस fs by 20। by 20 fs कितना है हमारा? स्टैटिक है। हाँ सर। स्टैटिक है तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? 0 टू 30 से लेके 30। हाँ सर। है ना? 0 से लेके 30। 0 पे कितना आएगा? 0 पे 12 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 30 पे कितना आएगा? 9। 0 पे कितना आएगा? 151 माइनस 30। यस सर। 151 माइनस 0 ये आएगा 151 बाय 20।
अप्रोक्सीमेटली 7.5 हाँ सर और 30 पे कितना आ रहा है 9 अच्छा ओके दिख रहा है आपको कि ये 151 से तब भी ये 7.5 ही आ रहा है हाँ सर यस थैंक यू सर ओके अब ये सवाल मत पूछो यार बच्चे कि ये है ना हमारी कौन सी बुक से है क्या है ये मतलब हम ओवर द इयर्स जो मैं 8-9 साल का एक्सपीरियंस है 2012 से जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लस 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो हम लोग ओवर द इयर्स अलग अलग जगह से अलग अलग मटेरियल इकट्ठा करके रखते हैं अभी वैसे आई थिंक ये सिंगेज में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको इस तरह का बट मेरे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो मैं वहां से जो भी मुझे लगता है कि अच्छी चीज है बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए एक ऐसे मैंने वो टेंशन वाला क्वेश्चन कराया था जहाँ पे फ्रिक्शन वेरी करता था ए और बी एक पे 120 लगाया था एक पे 100 न्यूटन लगाया था लेफ्ट राइट और वहां पे भी देखा था हमने उस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखती है अलग अलग फ्रिक्शन की बोलो भाई नीलाम सर मुझे क्लियर था बट अभी थोड़ा ये आपने जो अभी रेड में सॉल्व किया था थोड़ा डाउट हुआ सर मुझे लगा था कि जो एफ एस है वो रिड्यूस होता रहेगा जीरो वही हो रहा है सर बट यहाँ पे आपने जीरो लिया सीधे तो मुझे समझ नहीं आया अरे तो रिड्यूस ही तो किया ना 30 से जीरो जब कंडीशन समझाऊंगा तो समझाऊंगा ही सही ना 30 से क्या आएगा जीरो आएगा हाँ सर बट मुझे लगा जैसे 151 पे कुछ एफएक्स दूसरा होगा और जैसे जब जीरो ही होगा पहुंचेगा तब हाँ कुछ और ही होगा मैं तो बस समझाने के लिए उसको बोल दिया था कि 151 पे जो एफएक्स है हमारा वो तो जीरो से 30 के बीच में होगा ना तो मैं निकालना चाह रहा था तब तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहे थे वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना हाँ सर ठीक है थैंक यू सबको समझ में आया अच्छे से ईच एंड एवरी वन हाँ बच्चे बोलो सर मतलब यहाँ हमने रिवर्स प्रोसेस किया ना जब हमने वो फ्रिक्शन का टेबल बनाया था तब हम उसको स्टेशनरी टू इन मोशन में किया था तो इसमें मोशन टू स्टेशनरी कर रहे हैं मतलब थोड़ा सा हाँ बट ये याद थोड़ी कर सकते हो आप नहीं मतलब याद थोड़ी कर सकते हो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसीलिए मैंने जीरो न्यूटन पे क्या किया उस पे वहां से कहानी स्टार्ट होगी कि जीरो न्यूटन पे क्या होता है हाँ सर मतलब वहां से आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है तो फिर उसको नॉन रिलेटिव स्लाइडिंग मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो वहां पे लेकर जाओ और उसके बाद चीजें चेंज करो हाँ सर मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में दीज आर गुड क्वेश्चन फ्रिक्शन में मैंने वही कहा मैं आपके साथ बहुत सारा जब फिजिक्स स्टार्ट होगी तो वी कैन गो टू एनी लेवल मतलब ऐसा लेवल कर सकते कि मुझसे भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो बहुत सारी ऐसा है मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे टाइम लिमिट में 2 या 3 मिनट में मुझसे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं जरूरी नहीं है तो जब हम फिजिक्स में जाएंगे तो हम फिजिक्स और मैथ्स में ऐसा है कि बहुत अलग लेवल पे जाया जा सकता है हाँ ओवर द इयर्स मेरी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे पता होता है कि क्या क्या सोचना है तो वो चीज मैं आपको भी कराऊंगा अच्छा इसका एक और क्वेश्चन दे दो सिमिलर टाइप का तो मैंने कहा ही था 1.5-2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं तो कल ही कहा था 20-25 मिनट तो लगेंगे एक बच्चे को सॉल्व करने में आई डोंट अज्यूम कि ये कोई बच्चा खुद से सॉल्व कर सकता है मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये खुद से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें सोचनी है और इतना सोच पा रहे हो तो भाई आप स्टड हो जेन्युइनली स्टड हो फिर आप इतना चमक रहा है तो अच्छी चीज है मतलब यू आर ऑन वेरी गुड ट्रैक मैं एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूँ इसी चीज को अपन चेंज कर देते सिनेरियो को उसके बारे में चीजें निकाल लो यहाँ पे लगा देता हूं F1 इक्वल टू 120 न्यूटन kg F इक्वल टू anything म्यू इक्वल टू 0.3 स्मूथ ठीक है इफ एफ इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 0
find acceleration and friction for different values of F. Also comment for what values of S there'll be no relative sliding. आया समझ में? Okay, so ये करो, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. I don't have the answer, but ठीक है, मैं इसको बताऊंगा. अच्छा, before moving ahead, एक चीज सुन लो. अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ना, एक ही जगह फ्रिक्शन लग रहा है, या तो ऊपर वाले सरफेस पे लग रहा है या नीचे वाले पे लग रहा है. नाउ वील मूव टू अ सिचुएशन जहां पे दोनों जगह फ्रिक्शन लग सकता है. ब्लॉक ओवर ब्लॉक में आगे के जब सिनेरियो बताऊंगा तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो वो और परेशान करेगा. कोई बात नहीं, परेशान करेगा तो परेशान होंगे थोड़ा सा, और फिर देखते हैं आगे. ठीक है, सो विद दिस आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर. किसी के कुछ पर्सनल डाउट्स हैं तो वो रेज हैंड करके छोड़ दो, ठीक है, एल्स यू कैन लीव. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ.